नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। अंतिम समय में अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी में जोर शोर और जो चांद लगाने के लिए कुछ चांद बचे हुए थे वो लगाने के लिए मैं फटाफट से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आप फटाफट से इस वीडियो का भी रट्टा मार लीजिए, और पिछली वाली वीडियो आप नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके थोड़ा सा उसे भी देख लीजिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसकी स्मृति में पर्वत सर का मेला आयोजित किया जाता है? तो किसकी स्मृति में, किसकी याद में दोस्तों पर्वत सर का मेला लगाया जाता है नागौर में? तो दोस्तों, पर्वत सर पशु मेला तेजा जी की याद में लगाया जाता है। क्या हो जाएगा? तेजा जी। और तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? खरनाल जो है नागौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, तेजा जी एक जाट परिवार में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। और इनको दोस्तों सर्प रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें जो भी है आप लोग याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित राजस्थान बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजराती बोली का जो है मजबूत प्रभाव किस में है? इसका सही जवाब देंगे आप लोग वागड़ी। क्या हो जाएगा? राजस्थान बोलियों में से वागड़ी बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी चित्रशैली को जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल और आसान सा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? मारवाड़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये एक ब्रह्मास्त्र का रूप लेके आए हैं आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है? तो राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। क्या हो जाएगा? नागणेची माता सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट माता जी के नाम बता देता हूं, जो आशापुरा माता है दोस्तों, आशापुरा माता ये जालौर के जो सोनग्रह चौहान है उनकी कुलदेवी है। आशापुरा माता किसकी जो कुलदेवी है? तो ये है दोस्तों सोनग्रह चौहानों की कुलदेवी जालौर के की। उसके अलावा यहां पर आप लोगों को याद है साकंबरी या सकराय माता, साकंबरी या सकराय माता ये सांबर और अजमेर के जो चौहान थे उनकी क्या थी? इष्ट देवी थी। क्या थी? इष्ट देवी। तो ये आप लोग याद रखना, आशापुरा माता जालौर के सोनग्रह चौहानों की कुलदेवी हो गई, और साकंबरी अजमेर और सांबर के हो गई। और बिजासन माता जी कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जाए, तो बिजासन माता जी इंद्रगढ़ लाखेरी में, जो इंद्रगढ़ है बूंदी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो 1857 में जो प्रथम विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को ये प्रथम विद्रोह हुआ था राजस्थान में, कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद अजमेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो सिद्धराज टड्डा कौन थे इसका जवाब आप लोग दीजिएगा फटाफट से। और कितनी छावनियाँ थी राजस्थान में? राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ थी राजस्थान में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो सिद्धराज टड्डा कौन थे दोस्तों? ये सिद्धराज टड्डा थे एक क्या? गांधीवादी एवं सर्वदयी नेता, गांधीवादी एवं सर्वदयी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। नक्की झील कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में। सिलीसेट झील की बात करें अलवर में है। कोलायत झील बीकानेर में है। और कायलाना झील जोधपुर में है। नवल सागर बूंदी में है। उदय सागर झील उदयपुर में है। और गढ़सीसर तालाब दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न, बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का जो बोझ है वो निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का बोझ, तो बडार का बोझ इसका सही जवाब हो जाएगा विवाह के समय दोस्तों बडार का बोझ रखा जाता है। बडार यानी कि शादी के समय जो प्रतिबोझ होता है वह। नांगल क्या होता है? तो नांगल होता है नए घर का उद्घाटन करना। सामेला क्या होता है? सामेला होता है दोस्तों शादी पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की अगुवाई करना। क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। तो दोस्तों कालीबाई जो थी वो शहीद हुई थी, उसके गांव का नाम बताना है, उस स्थान का नाम बताना है, तो रास्तापाल हो जाएगा। और रास्तापाल स्थान कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ये दोस्तों कालीबाई जो थी अपने अध्यापक, अध्यापक का क्या नाम था? सेगाबाई को बचाते हुए क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। देख सकते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन,
वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बताइए, वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? वृहत राजस्थान, तो वृहत राजस्थान सभी को पता है दोस्तों, इस दिन से दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। 30 मार्च 1949 को ये वृहत राजस्थान बना था। इस दिन जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्होंने दोस्तों राजस्थान को दिवस मनाने की घोषणा की थी 30 मार्च को। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से? मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इस सारे पेपर को कर दोगे, ठीक है? तो आप फटाफट से कर दीजिएगा। रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से, क्योंकि धाकड़ किसानों ने यहाँ पर दोस्तों आंदोलन चला रखा था। और बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों 13 जुलाई आपके 1923 में गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर जो है ट्रेंच ने क्या कर दी थी, फायरिंग कर दी थी। और फायरिंग में 2 किसान नेता थे शहीद हो गए थे, एक तो रूपाजी थे और एक कृपाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर का जो इतिहास है उसका स्रोत कौन सा है, सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज विजय। कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। तो ये आप याद रखना, सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? बताइए, कौन से स्थान से इंडो ग्रीक शासकों के जो है 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो बेराट से हुए थे। बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 चांदी की, क्या 8 चांदी की पंचमार्क सिक्का मुद्राएं प्राप्त हुई थी, और 28 इंडो ग्रीक सिक्के, जिनमें से 16 मुद्राएं किसकी थी, राजा मिंडेर की थी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेराट सभ्यता से, याद रखना। बेराट स्थान कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह ने दोस्तों अपना मतलब जैन मंदिर बनवाया था, वो जैन मंदिर कहाँ है? और अभी दोस्तों उस मंदिर को दोस्तों विमल शाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आप बताइए कहाँ पर है प्रसिद्ध जैन मंदिर है? देलवाड़ा। तो क्या हो जाएगा? देलवाड़ा। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली को कुंभा के समय धरणक शाह द्वारा बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाए गए? तो ये कुंभा जी के समय दोस्तों धरणक शाह द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राव मालदेव की जो छतरी है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राव मालदेव की जो छतरी है वो दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। रेदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में, मंडोर की छतरी जोधपुर में, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में, संत पीपा की छतरी कहाँ है? झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? और प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों बूंदी की बावड़ी। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोंक हो जाएगा। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा, और चमना बावड़ी शाहपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो कहाँ पर अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में जो है अवस्थित नहीं है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़ नहीं है उत्तरी अरावली में, जबकि रघुनाथगढ़ है, बिलाली है, बरवाड़ा है, परंतु सज्जनगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? साधारणतः जो सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है वो क्या हो जाएगा? माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवर में। क्या होगा? अलवर इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्या होगा? अलवर बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति है जो पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो क्या हो जाएगा? इको टूरिज्म नीति। क्या होगा?
इको टूरिज्म नीति यानी कि पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यावरण को क्या करती है, बढ़ावा देती है, इको टूरिज्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सामर झील में गिरती है? तो सामर झील में बहुत सारी नदियाँ गिरती है, तो बताइए, तो मेंढा जो नदी है ये सामर झील में गिरती है, मेंढा या मंथा नदी, ठीक है, तो ये आप लोगों का सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से किन की सीमा रेखा मिलती है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो उदयपुर की भी मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, परंतु प्रतापगढ़ की नहीं मिलती, तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो पहली वन नीति यहाँ पर 2010 में किया गया, परंतु अब आप लोगों के दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, 2010 का नाम आते ही, तो अगस्त होगा या फरवरी होगा, ये सवाल रहा आपका, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा फरवरी 2010 में पहली वन नीति जारी की गई थी। वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, वह है अजमेर और सिरोही। लाल और पीली जो मृदा पाई जाती है वह अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर टोंक बूंदी कोटा झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर टोंक बूंदी कोटा झालावाड़ से होकर के ये राजमार्ग गुजरता है, ठीक है, तो बताइए वो कौन सा है। NH 12 नेशनल हाईवे 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो खनिज उत्पादन में 14-15 में कौन सा स्थान था, राजस्थान का कौन सा स्थान था, सेकंड नंबर पे था दोस्तों उस समय राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, पशु और नस्ल दे रखी है जो कि क्या है, सही सुमेलित नहीं है, नागौरी क्या गाय की होती है, नाली भेड़ की नस्ल होती है, शेखावटी बकरी की होती है, जबकि मालपुरी भैंस की नहीं होती, ठीक है, मालपुरी क्या है, भैंस की नहीं होती, आप लोगों को याद रखना है, मालपुरी दोस्तों भेड़ की नस्ल होती है, भेड़ की नस्ल होती है मालपुरी, ना कि भैंस की। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? तो इसका जवाब होगा 75-25, यानी कि केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% वित्तीय अनुदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो छापी जो सिंचाई परियोजना है कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब दीजिएगा, झालावाड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको शाम को एक और वीडियो मिलेगी, वो वीडियो भी आप लोग देख के जाना पेपर में, साथ ही में आपको सुबह जब आप फर्स्ट शिफ्ट देने जाओगे सुबह 10 बजे पेपर है आपका 10 से 12, तो आप पेपर देने जाने से पहले आपको कुछ वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वो भी आप सुबह सुबह देख के जाना, आपको 7-8 बजे मिल जाएगी करीब, ठीक है, या उससे पहले भी मैं देने की कोशिश करूंगा, 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, जितना भी होगा मैं उतनी वीडियो दूंगा आपको लोगों को, वो आप वीडियो आपको लोगों को देख के जानी है। साथ ही में जब सेकंड शिफ्ट शुरू होने वाली होगी 3 बजे, तो आपको 3 बजे से पहले भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकलते ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो ये इतनी सारी वीडियो आपको मिलने वाली, यानी कि अभी आपको ये वीडियो मिल गई, इसके बाद एक शाम को और वीडियो मिलेगी, उसके अलावा सुबह आपको 2 वीडियो मिलेगी, प्लस जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनको दिन में एक और वीडियो मिलेगी, तो आप लोगों को इतना सारा मैटर मिल जाएगा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन खुशी खुशी हो जाएगा यदि आपने सारी वीडियो हमारी देख डाली है। और करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने बनाई है आज, तो वो वीडियो भी जरूर देख के जाना, 1 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियो है, वो 1 घंटे में आपका बेड़ा पार हो जाएगा करंट अफेयर्स में, उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स मत पढ़ो कहीं से, और दोस्तों आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए फिर, ठीक है, मैंने जो बताया वो आप पढ़ लीजिए, 2 की स्पीड करके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, जय हिंद जय भारत, सभी दोस्तों को सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।